सबका स्वागत है। आज बनेगी स्वीट डिश। अच्छा स्वीट डिश। हाँ आज ड्राई फ्रूट केक बनेगा। अरे ये तो पहली अपनी डिश होगी ना जो पहली स्वीट बनाया हम कुछ पहला स्वीट हम बना रहे हैं। हाँ और ये विदाउट ओवन बनने वाला है। विदाउट ओवन। हाँ अच्छा इस ओवन की जरूरत नहीं है तपेली में। हाँ जाते हैं प्यारी समझ गई। हम सबको बताएंगे कि वो हमने विदाउट ओवन कैसे बनाए। ठीक है तो आज कौन बना रहा? मैं। हमारी बहू रानी जी बना रही है। मैं बना रही हूँ। अच्छे से बनाना। हाँ मम्मी आपको सबसे पहले ही आपको ही टेस्ट कराऊंगी। हाँ वो तो मेरे को टेस्ट करने का है। बाद में सब टेस्ट करने वाले हैं। हाँ ठीक है तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी और काफी सारी चीजें भी ऐड करूंगी आपको बताऊंगी। ठीक है तो चलो फिर बनाते हैं। तो बनाने की रेसिपी बताऊं? चलो चलो आ जाओ। चलो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो केक में जाने वाले हैं। अच्छा बादाम और क्या है? काजू है। सब अच्छे से जमा के रखी है बस। हाँ मैंने सब रेडी करके रखे हो। तो अभी तो अच्छे से सब बना केक रेडी होने के बाद मैं खिला। अच्छा तो आप अभी क्या करेंगे? मैं गेम खेल रही जाती हूँ। मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है ठीक है खेलो गेम। तो चलो आओ मैं आपको बताती हूँ। देखियो ये जो है ना 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, ये सोडा है खाने वाला सोडा जिसे हम खाते हैं, मैं इसका स्पून आपको बताऊंगी, ये मैंने उससे हाफ चम्मच ली हूँ। ये 2 टेबल स्पून हमारा कोको पाउडर है, ये एक एग और ये हो गए काजू और ये हो गए बादाम। ये ड्राई फ्रूट्स आपको जितने लेना है आप ले सकते हो, मेरी क्वांटिटी इतनी है। और ये हमारा अमूल बटर जिसको मैंने मेल्ट करके रखी हूँ रेडी। ठीक है और ये है मैदा, ये दोनों भी मैदा है बट मैंने कप में इसलिए डाली हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि कितना हमें लेना है। और ये है मिल्क और ये है शुगर जिसको मैंने ऑलरेडी पाउडरी बनाकर रेडी रखी हूँ। ठीक है तो सबसे पहले मैं सूखी चीजों को इसमें मिक्स करूंगी और मिक्स करने के टाइम हमें खास ध्यान रखना है कि हमें इसे छान लेना है। ठीक है देखो ये मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं पहले सबसे पहले इसमें मैदा डालूंगी। ये मैं इतना डालूंगी दोनों कप। ठीक है 2 कप मैदा जाएगा इसमें और इसे हमें छान के ही इसमें डालना है, विदाउट छान के नहीं डालना है, इसे हमें याद रखना है हमेशा। तो ये मैंने मैदा इसमें छान ली हूँ 2 कप। अब मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर, इसको भी हमें छान के ही डालना है। मैंने इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर ली हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें शुगर, ठीक है जिसको मैंने पीस के रखी थी, ये मैं डालूंगी 4 to 5 टेबल स्पून। ठीक है मैंने 5 टेबल स्पून डाली हूँ, ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो जितना आपको ऐड करना है। अब इसमें मेरा शुगर ऐड करके भी हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है ये बेकिंग सोडा डालूंगी मैं इसमें और इसमें हम ये वाला सोडा भी डालेंगे, खाने वाला सोडा है ये। ये मैंने ये इस स्पून से इतना ली है। ठीक है 1/2 टेबल स्पून। इसे छानना जरूरी नहीं होता है बट अभी मैं आपको कंटिन्यूसली बता रही हूँ तो मैंने इसे इसी तरीके से इसमें डाल दिया। चलो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ गए हैं, अब मैं इनको विदाउट कोई लिक्विड ऐड करके पहले मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी।
ये देखिए ये ऐसे मिक्स हो रहा है अच्छे से। अब ये पाउडरी अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एग, ये मैं एक ही एग डालने वाली हूँ, एक एग डालेंगे हम इसमें, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सी मैं बटर भी डालूंगी जो कि मैंने मेल्ट करके ऑलरेडी रखी हूँ, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें मिल्क भी ऐड करूंगी, ठीक है। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें एग और अमूल बटर भी चले गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क, मिल्क ऐड होगा इसमें। मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है क्योंकि जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो थोड़ी लम्स है, ये नहीं रहने चाहिए, ये भी मैं जैसे ही मिक्स करते जाऊंगी ना ये खुलते जाएंगे। मुझे और मिल्क लगेगा। टेन मिनट्स लेटर। अब ये अच्छी तरीके से पूरा मिक्स हो गया है, ठीक है। मैंने ना इसमें मिल्क और ऐड करी क्योंकि मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे नहीं हम सबको ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। और मैंने ना इसमें शुगर भी और ऐड की हूँ क्योंकि मीठा भी मुझे कम लग रहा था। और अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, ओके। मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स अलग से भी रखूंगी ताकि हम ऊपर से भी डालें, वो आपको बताऊंगी, अभी ही डाल दूंगी थोड़ी देर में। इसमें जाएगा काजू भी। ठीक है, अभी अच्छे से ऐड हो गया सब कुछ, मिक्स भी हो गया है। अब मैं आपको इसे बेक कैसे करना है विदाउट ओवन वो बताती हूँ। अब ये पूरा रेडी हो गया है, इस पे मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाली थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाली थी, और ये ऐसी कंसिस्टेंसी का आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके जो मैंने इसका केक बनाने के लिए बर्तन ली थी उसमें डालूंगी। सबसे पहले हम उसमें बटर लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। मैंने ना अभी हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो मैंने इसे प्री हीट के लिए ऑलरेडी इससे रेडी रखी थी। ये है नमक, ठीक है, मोटा नमक, इसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट के लिए रखी थी। गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से और मैंने इसे ढककर गर्म की थी, ठीक है। तो अब मैं इसे इसमें कैसे डालना है, सेट कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो ये है इसे हमें पूरा बटर लगाना है, ठीक है। तो मैं पहले इसमें पूरा बटर लगाऊंगी, बटर बहुत अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए, कोई भी साइड इसमें रहनी नहीं चाहिए, आप उसका ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ तक हमें इसके वॉल्स पे भी लगानी है। अब ये इसे पूरी तरीके से बटर लगा के हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी केक का बैटर। जो मैंने आपको बताई थी मैंने प्री हीट करके रखी थी, इसे मैंने 20 से 25 मिनट प्री हीट करने के लिए रख दी थी, ठीक है। ऐसे ही यही रखती हूँ और अब मैं इसमें ये डालूंगी। ये हम ऐसे भी बिठा सकते हैं और दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताती हूँ, ये दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड मेरा तरीका है। तो ऐसे स्टैंड हम इसमें लगाने के लिए हम ऐसे बिठाएंगे इस तरीके से और फिर इसे हम यहाँ पे रख देंगे,
और सबसे पहले इसकी हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इसको सेट कर दी हूँ। अब हम इसको ढक देंगे, ठीक है, मैं इसे ढक दूंगी, इसे इसकी हीट बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे दाल रख दूंगी इसके ऊपर। थोड़ी देर हम इसे 5 से 10 मिनट थोड़ी फास्ट फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम इसे स्लो कर देंगे। तो हमें इसे बनाने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स तो जाएगा ही, ठीक है। तो चलिए रेडी हो रहा है, तब तक के मैं आपके 30 मिनट्स बाद मिलती हूँ आपसे। 45 मिनट्स लेटर। तो चलो अभी मैं चेक करती हूँ कि ये हुआ है कि नहीं, ठीक है। और मैंने आपको तभी बताई थी कि मैं इसे 30 मिनट्स के करीबन, तकरीबन 30 मिनट्स के आसपास रखने वाली हूँ, बट मैंने इसे और ज़्यादा रखी हूँ, मुझे 45 मिनट्स हो गए, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही लो फ्लेम पे रखी थी और थोड़ा हमारा फ्लेम भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही लो था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले हमें इसे ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके का हो गया है। मैं इसे नाइफ से चेक करूँगी, ठीक है। थोड़ा सी और होना बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे देख रहे हो आप, ऐसे स्टिकी स्टिकी है ना, ये पूरा पूरी तरीके से पकना चाहिए। थोड़ा सी और हम 5 से 10 मिनट्स इसको रखेंगे और मम्मी को भी बता देती हूँ मैं। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा बोलो, आओ देखो हुआ। क्या देख रहा था? घर देख रहा था। क्यों देख रहा था? ऐसे ही। पोस्टमैन है? पोस्टमैन है? मैं पोस्टमैन हूँ। तो क्यों देख रहा था? अरे घर रहने के लिए देख रहा था। रहने के लिए देख रहा था। खुशबू आ रही है अच्छी? हाँ खुशबू तो अच्छी है। हुआ नहीं है, थोड़ा सा बीच में होना अभी बाकी है। अच्छा, अभी टाइम है। हाँ तो हम 10 मिनट और रखेंगे इसको, ठीक है। तो 10 मिनट बाद बता मम्मी। देखो अभी देखते हैं हुआ क्या नहीं अभी तक। हाँ हो गया, मैंने और 10 मिनट रखी थी आपको तभी बताई थी ना। हाँ अभी 10 मिनट हो गए हैं। हो गए, नमाज भी हो गई। हाँ केक ही नहीं हो रहा अभी तक। हो गया होगा वो, ये विदाउट ओवन है तो ऐसे ही टाइम लगता है। ये तो अच्छा फूला फूला दिख रहा है मस्त। हाँ देखो हो गया, कुछ हो गया ना। ये रेडी हो गया अभी। हाँ अभी कब निकालने का इसको? निकाल इसको, इसमें से निकालने के बाद ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसमें से भी ठंडा होने देंगे। हाँ अभी ये बंद कर देती हूँ मैं, जिसमें बाहर निकाल देती हूँ। हाँ। चलो फिर हम इसे अभी बाहर निकालते हैं। हाँ ठंडा होने देंगे। ये मैंने मोटा नमक डाली थी उसमें। हाँ। अगर जरूरी नहीं है कि मोटा नमक ही डाले, हम रेगुलर जो यूज करते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ तो अभी ये ठंडा होने के बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। ओके फिर हम खाएंगे। अब हाँ आप खाओगे। तो अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, ठीक है। तो अब मैं नाइफ से इसको पूरे सर्कल में इस तरीके से करूंगी, ताकि जो कुछ ऐसे थोड़ा सी पकड़े भी गया होगा तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे बाहर निकालती हूँ, देखते हैं कैसे निकलता है ये। ओके ये तो पूरा रेडी हो गया है। केक तो बन गया मस्त दिख रहा, तो अच्छा है।
अभी खाने में मालूम पड़ गया ना। हाँ, अभी आपको मैं टेस्ट करवाती हूँ ना। अभी क्या बर्थडे केक काटूं? काटो। ठीक है। ये ना विदाउट क्रीम वाला केक है। क्रीम नहीं है, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, मैंने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से बहुत भर के डाली हूँ ताकि हमें ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आए। ठीक है, ओके। ये अच्छा स्पॉन्जी स्पॉन्जी बना हुआ है। चलो अब मैं इसे मम्मी को देती हूँ। चलिए टेस्ट कीजिए। देखिए इसमें ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है इधर से मस्त। और ड्राई फ्रूट्स से ना मैं हाँ जब बेक कर रही थी ना तो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें बेक हो गए। बहुत टेस्टी, अच्छा टेस्ट उसका अच्छा आता है। देखती हूँ अभी खा के। बिस्मिल्ला। थोड़ा ड्राई फ्रूट भी आया कि नहीं? आया ना? आया आया। मस्त बनाएंगे। और स्पंजी भी है, अच्छा है, अच्छा बनाया है। हम इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है ना। लो तुम भी खाओ। हाँ। बहुत टेस्टी बना, बहुत ही अच्छा लगा है। और मुझे क्रीम से ज्यादा ऐसा सिंपल केक पसंद है, अच्छा लगता है खाना। और हमारे व्यूअर्स से थोड़ी बात करो। चलो पहले मेरे केक खत्म हो जाएगा, मुंह खत्म। ऐसा लग रहा है और खाओ, मगर बाद में खाएंगे क्योंकि अभी आपसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत ही अच्छा लगा। आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिए ना शनिवार। और हम सबके कमेंट्स पढ़ते भी है ना। और हमें रिक्वेस्ट भी आई है कि हम क्या बनाए मम्मी, बिरयानी। हाँ। कौन सी बिरयानी? व्हाइट बिरयानी। व्हाइट बिरयानी और व्हाइट पास्ता, तो वो भी हम बनाएंगे। हाँ, वो जल्द से जल्द बनाएंगे। ठीक है। और हमें इसी तरह से आपका प्यार जो है मिलता है हमेशा हर वीडियो में, ऐसे ही आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फीडबैक भी मिला था ना, जो हमें हम जो करेले की रेसिपी है उस पे हमें फीडबैक भी आया था। उन्होंने बनाए भी थे हमारे सब्सक्राइबर ने, और हमें बताया भी था कि उन्हें बहुत टेस्टी और अच्छा भी लगा, तो हमें बहुत खुशी हुई है ना। और सिंपल सादी रेसिपी अच्छी भी लग रही है आप लोग को, है ना। और हम और इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ आगे और आएंगे। और अलग अलग ब्लॉग्स भी बनाएंगे जो कुकिंग से भी हटके हो, कभी कभी कुकिंग भी करेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए आप हमें और हम लोग का थोड़ा सा मजाक मस्ती भी आपको अच्छी लगती है। हम वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे ही रहते हैं, कुछ इसमें एक्टिंग नहीं है। ऐसे ही रहना चाहिए, हंसते बोलते ही रहना चाहिए, तो अच्छा रहता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है ना। हाँ, और घर का माहौल भी अच्छा रहता है ना। चैनल। हाँ, और दुआओं में भी याद रखिए और नमाज भी पढ़िए जरूर, है ना शनिला। हाँ। नमाज तो जरूरी है ना बेटा। जी मम्मी। ठीक है फिर। और हमें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू रेसिपीज आपको एंजॉय करने मिले। ठीक है, और ये केक भी आप बनाओ अपने घर पे और मुझे जरूर बताना कि कैसे लगा। हाँ, और दुआओं में याद रखिए। और हाँ, माशाल्लाह जरूर बोलिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।